दोस्तों आईपीएल के इस महामुकाबले में आखिर कैसे आरसीबी के बल्लेबाज फेफ डुप्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल ने डिवोन कॉनवे की 83 रन की पारी को चकनाचूर कर दिया। आखिर कैसे इन दोनों बल्लेबाजों ने चेन्नई के गेंदबाजों के फरकच्चे उड़ाकर रख दिए। आखिर कैसे तुषार देशपांडे ने 3 विकेट लेकर चेन्नई की वापसी करवाई। दोस्तों हम आपको रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो दिखाएं। उससे पहले अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का महान कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों मुकाबले की शुरुआत बेंगलोर के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई, जहां दो खतरनाक टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स का दिल दहला देने वाला मुकाबला देखने को मिला। दोस्तों जहां चेन्नई ने आरसीबी के खिलाफ अब तक 19 मैच जीते हैं, वही 10 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन अगर पिछले 5 मुकाबलों की बात की जाए तो भी चेन्नई ने 4 मुकाबले जीतकर अपना दबदबा कायम रखा है। दोस्तों चेन्नई के दो धुरंधर और सलामी बल्लेबाज के रूप में ऋतुराज गायकवाड़ और डिवोन कॉनवे ने पारी की शुरुआत की, तो वहीं आरसीबी की तरफ से पहला ओवर डालकर मोहम्मद सिराज ने शुरुआत की। पारी के तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज ने ऋतुराज गायकवाड़ को गेंद डालकर एक बड़ा शॉट लगाने के लिए मजबूर किया, लेकिन ऋतुराज इस शॉट को अच्छे से खेल नहीं पाए और वही हुआ जो मोहम्मद सिराज चाहते थे और ऋतुराज गायकवाड़ 6 गेंदों में 3 रन बनाकर कैच आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए अजिंक्य रहाणे ने डिवोन कॉनवे का साथ देते हुए पावर प्ले में टीम के 53 रन और 9 ओवर में टीम को 83 रन के स्कोर तक पहुंचा दिया और दोनों बल्लेबाजों ने 67 रन की साझेदारी भी पूरी कर ली थी। पारी के आधे ओवर समाप्त होने तक डिवोन कॉनवे 42 रन और रहाणे 37 रन पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर हसरंगा ने अजिंक्य रहाणे को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया और टीम को दूसरी और बड़ी सफलता दिला दी। रहाणे ने अपनी इस पारी में 3 चौके और 2 छक्के की बदौलत 20 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन इसी ओवर में डिवोन कॉनवे ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए आईपीएल का अपना 5वां अर्धशतक भी पूरा कर लिया और अपना अर्धशतक डरने के बाद कॉनवे ने विजय कुमार के एक ही ओवर में 2 छक्के लगाकर अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए टीम को 170 रन के स्कोर तक पहुंचा दिया। अब एक छोर से कॉनवे तो दूसरे छोर से शिवम दुबे ने भी अपने खामोस बल्ले से प्रहार करना शुरू कर दिया, लेकिन 16वें ओवर की चौथी गेंद पर हर्षल पटेल ने डिवोन कॉनवे को क्लीन बोल्ड कर उनकी पारी का अंत कर दिया। डिवोन कॉनवे ने अपनी इस लाजवाब पारी में 6 चौके और 6 छक्कों की मदद से 45 गेंदों में 83 रन बनाए। डिवोन कॉनवे के बाद चेन्नई को लगातार 2 और बड़े झटके लगे। 17वें ओवर में वेन पार्नर ने 27 गेंदों में 52 रन पर बल्लेबाजी कर रहे शिवम दुबे को चलता कर दिया और अगले ओवर में विजय कुमार ने अंबती रायडू को भी आउट कर दिया। लेकिन 18वें ओवर में टीम ने अपने 200 रन भी पूरे कर लिए और चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी के सामने 20 ओवर में 226 रन का टारगेट रखा और इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली ने पहले ओवर की चौथी गेंद पर ही अपना विकेट गवा बैठे। विराट कोहली आकाश सिंह की गेंद को ठीक से पिक नहीं कर पाए और बॉल उनके पैर पर लगकर सीधा विकेट के जा लगी और इसी ओवर में आकाश सिंह अपनी टीम को एक और बड़ी सफलता दिला सकते थे। लेकिन महेश तीक्ष्णा ने महिपाल लोमलोर का कैच छोड़ दिया, लेकिन महिपाल को जीवनदान मिलने के बाद भी वे इसका फायदा नहीं उठा पाए और दूसरे ओवर में 5 गेंदों का सामना करने के बाद भी वे बिना खाता खोले ही तुषार पांडे की गेंद पर अपना विकेट गवा बैठे। अब क्रीज पर दो विदेशी प्लेयर फेफ डुप्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभालते हुए चेन्नई के गेंदबाजों के फरकच्चे उड़ाने शुरू कर दिए और जहां टीम का स्कोर 2 ओवर में 15 रन था, वहीं इन दोनों बल्लेबाजों की आक्रामक बल्लेबाजी से 6 ओवर में 75 रन बना लिए। जहां डुप्लेसिस 17 गेंदों में 45 रन तो वहीं मैक्सवेल 10 गेंदों में 20 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। भले ही टीम आरसीबी ने पहले ओवर में एक बड़ा विकेट गंवा दिया था, लेकिन पारी के आधे ओवर समाप्त होने तक फेफ डुप्लेसिस ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 3 छक्के और 5 चौकों की मदद से 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, तो दूसरी तरफ ग्लेन मैक्सवेल ने भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए हर ओवर में 2 छक्के लगाकर 21 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लिया और टीम को 10 ओवर में 121 रन तक पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों के सामने चेन्नई के गेंदबाजों की हर कोशिश नाकाम रही और दोनों बल्लेबाजों ने चेन्नई के गेंदबाजों को चारों खाने चित कर दिया। लेकिन 13वें ओवर में चेन्नई को तीसरी और एक बड़ी सफलता मिली। ग्लेन मैक्सवेल महेश तीक्ष्णा की पहली गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाना चाहते थे, लेकिन वे इसमें नाकाम रहे और गेंद उनके बल्ले को लगकर ऊपर चली गई, जिसके चलते कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने शानदार कैच लेकर उन्हें पवेलियन भेज दिया। लेकिन मैक्सवेल ने अपना काम कर दिया था, 3 चौके और 8 छक्के लगाकर 36 गेंदों में 76 रन की अविश्वसनीय पारी खेली और अगले ही ओवर में मोइन अली ने टीम को एक और बड़ी सफलता के रूप में डुप्लेसिस को चलता कर दिया। डुप्लेसिस भी मोइन अली की आखिरी गेंद पर धोनी को कैच थमा बैठे, लेकिन डुप्लेसिस ने भी मैक्सवेल की तरह अपना काम कर दिया था और केवल 33 गेंदों में 62 रन की तूफानी पारी खेली, जिसके बाद आरसीबी को 6 ओवर में 68 रन की दरकार थी। लेकिन 17वें ओवर में आरसीबी ने अपना 5वां विकेट भी गंवा दिया। तुषार देशपांडे ने 14 गेंदों में 28 रन पर बल्लेबाजी कर रहे दिनेश कार्तिक को पवेलियन भेज दिया और आरसीबी को आखिरी 6 गेंदों में 19 रन चाहिए थे, लेकिन आरसीबी के बल्लेबाज इसे बनाने में नाकाम रहे और चेन्नई ने एक बार फिर से इस मुकाबले में वापसी कर इस मुकाबले को 8 रन से जीत लिया।